आखिरकार फाइनली 1000 हो ही गए भाई, बहुत टाइम लग गया कसम से, लेकिन हो गए यार। यार सही बताऊं, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया ना यार, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे यार, तुम्हारे बच्चे बड़े हो, फूलो फलो यार, भाई जो जिंदगी के साथ करना है वो करो यार। दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा YouTube ट्रिक एंड टिप्स लाता हूँ, टेक रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो है ये। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, भले ही आप लोग अभी नया YouTube पर आए या काफी दिन से YouTube पे काम कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए है, काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद, और भी काफी ज्यादा आप लोग मोटिवेट भी हो सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सीधा सीधा ये था कि बहुत सारे आप में से यूट्यूबर होंगे जो नए क्रिएटर होंगे, जो कि एक दो महीने पहले यूट्यूब पे आए होंगे, दो चार दस पंद्रह वीडियो डाले होंगे, व्यूज नहीं होते आते होंगे, सब्सक्राइबर नहीं आते होंगे, तो डिमोटिवेट होने लगते हैं, टेंशन में आने लगते हैं, यार हम यूट्यूब छोड़ देते हैं, ये वो हमारे व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते। और आप में से कुछ लोग होंगे जो कि साल छह महीने दो साल से काम करते होंगे, फिर भी अभी सक्सेस नहीं मिली होगी, हो सकता है व्यूज ना आते हों, हो सकता है सब्सक्राइबर भी ना आते हों, तो वो लोग भी काफी ज्यादा कई बार मोटिवेट हुए होंगे और अभी भी मोटिवेट होते होंगे, तो वो सोचते होंगे कहीं ना कहीं कि यार हम यूट्यूब छोड़ देते हैं, हमारी यूट्यूब नहीं बना है या हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों को आप लोग अपने दिमाग में लाते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब सबके लिए है, सबके लिए नहीं भी है, और मुझे लगता है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कोई भी काम हो, मैं खाली YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी काम करते हो तो कभी आपको हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की जो कि हमें लगता है इंडिया के एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े यूट्यूबर है, जो जिनका नाम अजय नागर, यानी कि कैरी मिनाटी, आप लोगों ने सब लोग कैरी मिनाटी नाम से जानते हो। उनकी यदि मैं हालात बताऊँ तो आप लोग को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा भाई। देखिए उन्होंने 2013 में उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, 2013 में यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद उन्होंने लगातार दो साल मेहनत की, और दो साल मेहनत करने के बाद सब्सक्राइबर कितने बने थे, लगातार मेहनत करने के बाद सब्सक्राइबर कितने बने अपने दो साल बाद 150, यानी 150 सब्सक्राइबर यार दो साल में, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी बंदे ने कभी, मतलब दो साल मेहनत करने के बाद 150 सब्सक्राइबर और व्यूज 10-5, फिर भी यार उस बंदे ने हार नहीं मानी, और जब मेहनत का फल मिलने को आया, यानी कि जब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, लगभग 2.5-3 साल हो गए, और लगभग 3 साल बाद 1000 सब्सक्राइबर हुए, लगभग 3 साल बाद। दोस्तों आप लोग 3 साल जानते हो कितने होते हैं, 3 साल बाद यहाँ भैया अजय नागर जी के कैरी मिनाटी के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। यदि आप लोग 3 साल में 1000 सब्सक्राइबर ना हुए तो आप लोग छोड़ सकते हो, मुझे लगता है मैं भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कैरी मिनाटी की ये सोच यार मुझे बहुत मतलब कि इंस्पिरेशन फुल लगी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ इस बात को शेयर किया जाए। यार भाई 3 साल में 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, अब उसके बाद व्यूज भी थोड़ा आने लगे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े, उसके बाद 2-4-10-15 हज़ार सब्सक्राइबर आए, 10-20 हज़ार व्यूज भी आने लगे, उसके बाद क्या हुआ, लगातार 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, वो भी किसी कंपनी ने नहीं दिया, किसी बंदे पार्टिकुलर किसी बंदे ने नहीं दिया कॉपीराइट स्ट्राइक, किसी कंपनी ने 3 लगातार स्ट्राइक कैरी मिनाटी जी को मसल दिया, मतलब दे दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, कैरी मिनाटी बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। मैं आप लोग को छोटी स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ। तो देखिए पहले रात को मुझे यूट्यूब से एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बैन हो जाएगा, यानी अगले वेडनेसडे तक खत्म। कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को ये जो क्लिप थी, आप लोग इसे देख के तो सब कुछ समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। भैया 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लगी, उसके बाद यानी कि कैरी मिनाटी जी काफी ज्यादा दुखी, देन उसके बाद फेसबुक पर लाइव आए, लाइव आने के बाद वहाँ पे सभी ऑडियंस जो उनकी थी, कुछ उनको मतलब सोशल मीडिया की जानती थी, तो वहाँ पे उन्होंने सभी अपने सोशल मीडिया से उस बात को शेयर किया कि हमें 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुकी है, अब आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो जितने भी यूट्यूबर्स उनको फॉलो करते थे, या बहुत सारे यूट्यूबर जो फॉलो भी नहीं करते थे, उन लोगों ने भाई उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया, वे जिस कंपनी 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी भैया, उन्हें अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक वापस लेनी पड़ी, और भैया दोबारा से उनका चैनल छोड़ना पड़ा, यूट्यूब ने भी हार मान ली और भी उनके चैनल को टर्मिनेट नहीं किया। ये होती असली लगन, असली मेहनत, और ये होता है अपने सब्सक्राइबर और ऑडियंस का प्यार। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कैरी मिनाटी जी की इंस्पिरेशन स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फ्रेंड्स इस वीडियो आप लोगों को क्या सीखने को मिला ये जरूर बताना। मेरा भी सीखना, मेरा मानना ये है कि आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि भैया इतना मेहनत करने के बाद किसी कॉपीराइट स्ट्राइक यदि एक भी लग जाती है ना, तो वो छोड़ सकता है यूट्यूब, मुझे पता, लेकिन उस बंदे ने यूट्यूब नहीं छोड़ा और आप लोग
नतीजा देख रहे हो, मतलब इतना मेहनत का जो फल होता है वो मिलता है यार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। 3 साल मेहनत किया, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक को झेला, देन उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक वापस गई, चैनल टर्मिनेट होने से बचा, सभी आइडियाज उनको प्यार मिला, देन उसके बाद आप लोग हालात देख सकते हो, 30 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं आज के एडमेटी जी के। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशन भरी स्टोरी थी, मुझे लगा आप लोग साथ शेयर करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार ऐसी बातें सुनकर, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि भाई मैं भी काफ़ी दिन यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, व्यूज वगैरह कुछ आते नहीं, सब्सक्राइबर मिलते नहीं, आप लोगों को प्यार तो मिल ही नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो को बनाया जाए, और भैया खुद मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को भी साथ में मोटिवेट करते हैं। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के इतना ही, ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट साबित हुआ होगा, मेरे लिए मोटिवेट है ही। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।